कसरावत तहसील क्षेत्र के नर्मदा तट के ग्राम बलगांव में लगातार तेंदुआ मवेशियों का शिकार कर रहा है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। वहीं वन विभाग अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाया है। ग्रामीणों की लंबी समय से मांग है कि यहां पर आबादी क्षेत्र के पास बार बार तेंदुए की उपस्थिति देखी जा रही है, जिससे पिंजरा लगाया जाए, लेकिन वन विभाग सूचना के बाद पंचनामा बनाकर इतिश्री कर लेता है। जानकारी के अनुसार किसान दिनेश पिता दयाराम सेन का आश्रम मार्ग पर खलियान है, जहां मंगलवार बुधवार की देर रात को तेंदुए ने एक 1.5 साल के बछड़े का शिकार किया। पहले तो तेंदुए ने बंधी हुई रस्सी को काटा, उसके बाद बछड़े को करीब 200 फीट घसीटते हुए केले के खेत में ले गया और वहां शिकार किया। सुबह जब किसान खलियान में पहुंचा तो बछड़ा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद किसान घसीटते हुए निशान को देखते हुए केले के खेत में पहुंचा। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। किसान भगवान पटेल सहित अन्य किसानों ने बताया कि जैसे ही घटना के बारे में जानकारी लगी, अन्य किसानों के साथ केले के खेत में पहुंचे, जहां तेंदुए के बड़े और छोटे पगमार्ग देखे गए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शिकार करने वाले जानवरों की संख्या 2 से 3 होगी। किसानों ने बताया कि पिछले 1 साल से यह 7वीं घटना है, वह भी आबादी क्षेत्र के पास। जबकि बता दें कि उक्त मार्ग से रोजाना नर्मदा परिक्रमा वासियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे अब किसान मवेशियों को लेकर तो चिंतित है, वहीं खुद भी रात के समय खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है समय रहते वन विभाग के द्वारा क्षेत्र की सर्चिंग कर कुछ जगह को चिन्हित कर पिंजरा लगाना चाहिए, ताकि तेंदुआ को पकड़ा जा सके। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।